हमको मत दिखा यार अभी। हां बट्टा का स्टाफ है। हां सुनिए लोहा है लोहा। देखिए दोस्त, अरे हमको मत दिखा यार अभी अभी मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है भाई, कंडीशन में नहीं है भाई। ए ये भट्टा का मालिक है। हां भट्टा का स्टाफ है। सकल से तो वो मालिक लग रहे हैं, हम स्टाफ लग रहे हैं। ठीक है, ये मेरा दोस्त का भट्टा है। हम लोग आए थे किशनगंज, जैसे बताया मेला घूमने आए थे, तभी शाम को मेला घूमेंगे। फिलहाल तो देखने के लिए आए, एक कोयला रखा हुआ है। अरे फ्रेंड का मेरा नहीं है। अच्छा फोन रखते हैं, सुनो ना इसको घुमा देते थोड़ा। ये है कोयला का काम, नहीं पिया था कोयला। कैसे बनता है तपन? अरे भाई इसका प्रोसेस अगर बताएंगे ना तो दिन खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा। अच्छा। चलो ये कौन सा इटा है, नंबर वन? ये गोड़िया है। अच्छा गोड़िया फोर्थ नंबर में आता है। हाँ गोड़िया, ये गोड़िया है। पिक कर दिया तू भट्टा को देखने के लिए? पूरा भट्टा को देखने के लिए आपको हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आएंगे तो ड्रोन उड़ा दो। ओ हाँ रे सही बात है, स्मार्ट वर्क भट्टा देखने के लिए ड्रोन उड़ा दो भाई। उड़ाई नहीं थे एक बार शादी में, शादी का वीडियो अभी तक नहीं दिया हमको पता नहीं। तो ईटा का पहचान कैसे किया जाता है? ईटा को बजा के देखिए, पहचान नहीं के देखिए मेरे भाई। हम कैमरा पहले छोड़ दे, बजा के देख। एक तो और दूसरा आवाज नहीं है इसका, आवाज नहीं है। ये है दो नंबर, तीन नंबर है, सॉरी ये तीन नंबर से बजाता है। ईटा का भट्टा का मालिक बता रहा है कैसे कैसे ईटा पहचान जाता है। और ये जिसका आवाज ऐसे आएगा ना, टन टन वाला आवाज। हाँ जी ये आवाज। हाँ ये लोहा है लोहा। ये कौन सा नंबर है? ये हो गया आपका सबसे ऊपर। हाँ अच्छा। और सेम चीज कंडीशन में आपको ऐसा ही आवाज आएगा लोहे जैसा, लेकिन उसका साइज अगर सॉलिड रहेगा, फेस एकदम नाक मुंह कान सब बना रहेगा तो वो सुपर हो गया। जो टेरा बिगाड़ेगा वो साइज पैकेट हो जाएगा। अच्छा साइज पैकेट, ये सुपर है, ये सब बढ़िया है, ये सब सुपर है। समझे ये फेस है ना ईटा का, कितना जबरदस्त। ये सुपर साइज पैकेट है, टेरा बेका थोड़ा सा दिखा, टेरा बेका क्वालिटी वही रहेगा, टेरा सिर्फ टेरा बेका रहेगा। अच्छा ईटा में टेरा टेरापन रहेगा। हाँ वो तो है, आवाज तो वही कर रहा सेम। हाँ ये पका हुआ है ना पूरा, अभी फेल हो जाएगा इसके सामने। है इधर क्या है? अच्छा पहले ऐसे इसको क्या मतलब, उसको बालू मट्टी को इसको ये करता है ना, मट्टी को जो है ना डैम में अपने आप को मिक्स करता है। कहाँ डैम है? अच्छा आगे डैम है। हाँ आगे डैम है, ये गोडाउन है। ये गोडाउन स्टॉक किया था कच्ची ईटा हुआ। इसमें लेबर लोग आते हैं क्या? इसमें लेबर लोग आता है, कुछ बिहार से आता है, बहुत दूर से आता है। तो बस वो खींचता है और इधर से खींचता है। अच्छा ये मशीन, ओ अच्छा इसमें आग नहीं लगता है धुआं, इसमें चिमनी में? चिमनी में आग नहीं लगता है। अच्छा तुमको दिखाते ना अभी। हाँ ये मशीन काम आता है, वो डग है ना, डग आग है, उससे धुआं उधर उधर ना जाए, उसको खींच करके चिमनी के द्वारा ऊपर भेजे। ओहो ऐसा आता है। हम हवा भट्टा है ना। अच्छा हमको पता है कि वो भट्टा के नीचे आग ही लगा देता है। आग दिखाएंगे, धुआं निकल रहा अभी, दिखेगा नहीं, आग भी दिखाएंगे। डोंट जाने का बहुत है। वीडियो बना रहे इधर इधर ये सर्कल है, इधर से कच्ची भरते जाएगा, इधर से पक्की निकालते जाएगा।
वो कच्चा भर रहा है अभी ना, है ना, कच्चा भरते भरते आएगा डाल देता है। नहीं नहीं, ये तो पका हुआ है ना, बालू था ऊपर डाल देता है, उसके ऊपर डाल देता है, ये पेपर चिपका देता है, पेपर चिपका देता है, यानी कि वो एक चम्मच हो गया, फिर उसके बाद में फिर पेपर से ये पक गया, जैसे पक करके पक पक ये सारा पका हुआ है, यहाँ तक पका हुआ है, ये पका ही कैसा था, इसके आगे से कच्चा ये आगे नीचे आगे नीचे आग लगा हुआ है क्या? बाप रे गरम बहुत है ने? पकते हुए यानी कि इससे पीछे पका हुआ है, अब उसे पक गया तो अब निकालेगा, वो सब निकालेगा, नहीं समझ गया। वो जो पक रहा है ना वही धुआं, वही छेदा के अंदर से धुआं चल जाता है, छेदा के अंदर इस अंदर पाइप वाला लाइन चल जाएगा, ये अंडरग्राउंड पाइप लाइन है, इसके अंदर पाइप लाइन है, उसके नीचे इसके नीचे जमीन के नीचे इसका अभियान चल रहा है ना, उसके जमीन के नीचे अंदर ग्राउंड गया इस चिमनी तक। अच्छा वहाँ से चिमनी में चिमनी गया, चिमनी जो पंखा इसलिए लगाया है वो उसको खींचता है और अब्जर्व करता है और इधर से नहीं ये इसलिए दिया है क्योंकि ये जो है ना वैसा घर तो हर जगह है ना, छोटा छोटा इधर भी है उधर भी है, तो सब घर से धुआं ना निकल जाए, ये ऐसे लोग इधर से आगे धुआं नहीं भाई, इधर से आगे आग नहीं जाए। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त का भट्टा है ये भाई, और भट्टा का टूर कर रहे हैं, जिम बहुत मेहनत करता है, मेरा 12 साल का दोस्ती है लेकिन पहली बार आया है, बताओ 12 साल में पहली बार आया सच में, ऐसे घर तो आया है ऐसे, भट्टा नहीं आया है घर तो, ऐसे आया है भट्टा आते घूमने के लिए आए, और इसके इधर एक अच्छा खासा वो क्या बोलता है समझ में मिल जाएगा हम दोस्त दोस्त और इसका भट्टा है ना। जेसीबी हाँ हाँ इसी के अंदर ना डैम बना हुआ है, गड्ढा है ना, गड्ढा हुआ गड्ढा को पानी से भरता है, मिट्टी से भरता है, रात फूल जाता है, सुबह जेसीबी से सुखा करके पूरा कादा बना देता है, वो कादा उस मशीन में डालता है जो कि पूरा क्रीम बना के निकालता है, मिट्टी का क्रीम, आज मन करेगा तो खा लो सर, उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल दो, तब चीनी ना नमक तो ऐसे रहता है, केक बनाएंगे, केक किसी को केक बना के किसी को खिला देना है, ऊपर में व्हाइट पेस्ट डाल के खिला देना है, रेट तो बढ़ गया बोले बाबा।